चर्चा है। शैलराज जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे हैं, निर्गुण पार ब्रह्म परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परातत्पर हैं, गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं, साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। देवी पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर भगवान शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। महर्षि नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, शिव नादमय है और नाद शिवमय है। यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और भगवान शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, षष्ठी के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले भगवान शिव नाद ही प्रकट हुए, अतः वह सबसे उत्कृष्ट हैं। हिमालय, इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित हो महर्षि नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, आहो जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकाट्य हुआ है, जो परातत्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला वाले हैं, उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं। उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करने के समय वे बोले, परमेश्वर मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए स्वीकार करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी देवी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए। परमेश्वर, महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। इस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र देवता तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित संगता प्रदान की।
तत्पश्चात उनके बांधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 100,000 सुसज्जित गोएं, 100,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी देवी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गया। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मंध्यादिनी शाखा में वर्णित स्रोतों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ भगवान शिव और शिवा के सर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय वहाँ बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। अध्याय 48। भगवान शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोबहर और वास भवन में जाना, वहाँ स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से भगवान शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और भगवान शिव का जनवासे में लौटना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और देवी पार्वती को आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्नि देव की परिक्रमा की। महर्षि नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव और शिवा विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबवान का कार्य पूरा हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजानंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो रही थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नवदंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ शास्त्र प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक और वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोकद्रष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर भगवान शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा एक दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब ओर से मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके मन को आनंद दे रही थी। इसके बाद श्री विष्णु और मैं देवता सभी ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो भगवान शिव और देवी पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वरवधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब ओर परमानंद महान उत्सव छा रहा था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केली ग्राह में पहुंचाया।
और जय ध्वनि करती हुई उनके